इस वक्त मैं खड़ी हूँ धनबाद के विनोद विहारी चौक पर, और आपको बता दूं कि यहाँ से ठीक आज से तकरीबन सोमवार के दिन की बात है, 500 मीटर की दूरी पर एक सड़क हादसे में दो मासूम बच्चियों की जान चली गई थी, क्योंकि दूसरी गाड़ी जो है वो रॉन्ग साइड से आते हुए उन बच्चियों की स्कूटी पर चली गई थी। अगर हम अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज की स्थिति हम साफ तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कैसे रॉन्ग साइड से यहाँ ये आप देख सकते हैं कि मरून कलर की ये कार, ब्लैक कलर की कार, ये तमाम कारें जो हैं ये रॉन्ग साइड से आ रही हैं, जबकि इधर से सिर्फ और सिर्फ जाने का रास्ता बना हुआ है। यानी कि 8 लेन सड़क में कोई भी यहाँ पर देखने वाला नहीं है, ना ही ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू ढंग से है, ना ही जिला प्रशासन की ओर से अब तक यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। दो बच्चियों की जान चली गई, उसके बाद आप देखिए कैसे रॉन्ग साइड से, उधर साइड से भी आप देखिए कि कैसे धड़ल्ले से गाड़ियाँ आ रही हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये जो 8 लेन की जो सड़कें बनाई गई हैं, ये दो रास्ते जो हैं वो जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इधर से जो दो रास्ते वो आने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी ट्रैफिक नियम का कोई पालन नहीं हो रहा। तमाम ट्रैफिक नियमों के यहाँ पर खुलेआम धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वापस से इस तरह के भयावह सड़क हादसे हो सकते हैं जिसमें कोई मासूम अपनी जान गंवा सकता है। एक बार वापस से आप देखिए कि कैसे यहाँ पर धड़ल्ले से जो है तमाम गाड़ियाँ जो हैं, कोई राइट साइड से जाने वाले में लेफ्ट साइड से गाड़ियाँ आ रही है, लेफ्ट साइड से जाने वाले में राइट साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। आप देखिए इधर देखिए कैसे रॉन्ग साइड से इधर से भी गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि इस 8 लेन की सड़क बनने के बाद जहाँ लोगों को राहत मिलनी चाहिए थे, वहीं यहाँ पर राहत की जगह पर अब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को न्योता दिया जा रहा है। एक और प्रशासन को भी सजग होना चाहिए था, आम पब्लिक भी आप देखिए कि कैसे तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए, बिना किसी ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए तमाम इन रास्तों को लिए जा रही है। ना ही प्रशासन सजग हुआ है, ना ही पब्लिक जो है वो सचेत हुई है कि हादसे हो सकते हैं, और ज़रूरत है कि अब प्रशासन जो है, जो जिला प्रशासन और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर सही ढंग से लगे, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम हो जो कि इन तमाम नियमों को सही तरीके से पालन करा सके। साफ तौर पर आप देखिए, साफ तौर पर अभी भी आप देख सकते हैं कि ऐसे रॉन्ग डायरेक्शन से गाड़ियों का आना जाना कंटिन्यू इस रास्ते में लगा हुआ है। तो जरूरत है देखते हैं कि कब तक यहाँ पर प्रशासन सजग होती है और कब तक आम पब्लिक भी सजग होती है, और इस तरह की जो भयावह हादसे और जो एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही है लापरवाही की वजह से, उस पर अंकुश लगता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।